33 upon 10. ओके मैम, अब आ गया समझ में? यस मैम। तो ये तो आप लोगों ने फिफ्थ में नहीं पढ़ा था, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना? यस मैम। पढ़ा था? यस मैम। बट फॉरगॉट, भूल गए। व्हाई? इट इज अ बेसिक थिंग बेटा, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ओके मैम। मैम मेरी भी चाहिए। यस, shall we start next chapter? Are you ready? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Today we will start new chapter, chapter number 4, that is integer. Ma'am, I know that book? Chapter. Yes. Ma'am, I know the chapter sums. Math. Yes, open your book, chapter number 4, integer. If you have any query, then write in your chat box. अगर कोई भी query है, कोई problem आती है, तो आपको chat box में लिखना है. Clear? First of all, page number 61, chapter number 4, integer. आप लोगों ने कभी इंटीजर पढ़े थे क्या पहले? राइट इन चैट बॉक्स, मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करते चलिए और अटेंटिव रहिए बिल्कुल क्लास में. जो भी क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, हैंड टू हैंड उसका आंसर लिखा करिए फास्ट. नो, आप लोगों ने इंटीजर नहीं पढ़ा, इट इज अ न्यू टॉपिक. फ्रैक्शन आपने पढ़े थे, डेसिमल भी आपने पढ़े थे, फैक्टर्स भी आपने पढ़े थे. इससे पहले जो भी हमने टॉपिक्स लिए थे वो आप पढ़ चुके थे, बट इंटीजर इज अ न्यू टॉपिक. हैव यू रीड द थ्योरी? आपने इसकी थ्योरी पढ़ी थी क्या? आपको बोला था ना मैंने कि थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना, हम डिस्कस करेंगे क्लास में व्हाट इज इंटीजर. नहीं पढ़ी आप लोगों ने? ओके, ओपन योर बुक्स. ऑल यू हैव ओपन? सबने बुक ओपन कर रखी है कि नहीं? गिव मी रिस्पॉन्स. यस, इंट्रोडक्शन टू इंटीजर. वॉट इज इंटीजर? यहाँ पे इंटीजर की डेफिनेशन लिखी हुई है, जरा रीड करके मुझे एक बार एक्सप्लेन करो कि आपको क्या समझ में आया. वॉट इज इंटीजर? इंटीजर क्या होते हैं? एक बार आप लोग रीड करके मुझे एक्सप्लेन करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, what is integer? Yes, anybody want to give the answer? कोई आंसर देना चाहता है? क्या समझ में आया? What is an integer? Yes, Cherry? Cherry? Unmute yourself and give me the answer. What is an integer? Ma'am, an integer. Yes. Ma'am, integers. Ma'am, इसमें साइन बताने हैं, इंटीजर्स होता क्या होता है? आपको ये बताना है इंटीजर क्या होते हैं. इन सिंपल वर्ड्स,
जरूरी नहीं है कि आपको बुक की लैंग्वेज में बोलना है, आप बिल्कुल सिंपल वर्ड में बोलिए आपको क्या समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, देखो इंटीजर क्या होते हैं, इन सिंपल वर्ड ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। सिंपल वर्ड में अगर हम इंटीजर को समझें तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे जीरो को लेकर, वो सब क्या होते हैं? इंटीजर्स। कृतिका मोटवानी, सिट प्रॉपरली। ये समझ में आया आपको जो मैंने ये लाइन बोली? ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? जिनके आगे प्लस का साइन होता है, यही तो होते हैं। और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? जिनके पहले माइनस का साइन होता है। इट इज क्लियर? समझ में आया कि नहीं? पहले इतना बताइए मुझे, फिर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? ये तो आप सबको आते होंगे। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? ये तो बताइए मुझे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नंबर स्टार्टेड विद वन, ऑल द काउंटिंग नंबर स्टार्टेड विद वन, जो वन से स्टार्ट होते हैं और जहां तक भी आपको काउंटिंग आती है वहां तक आप काउंट कर लीजिए, वो सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर तो क्लियर हो गया सबको? ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। इट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे और जितने भी नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर मींस माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड सो ऑन, दे ऑल आर नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। ये समझ में आया आपको? अभी मैंने वर्बली आपको एक्सप्लेन किया है, ये समझ में आया? हम जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे इंटीजर का कि इंटीजर होता क्या है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? राइट इन योर चैट बॉक्स। यस, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। Yes, look here all of you. Chapter 4, Integer. Introduction to Integer. What is an integer? Integer hota kya hai? All natural numbers. Natural number means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Jahan tak bhi aapko counting aati hai, wahan tak bol dijiye. Ye sab kya honge aapke? Natural number. All natural number, 0 and negative of counting number. काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और इसका नेगेटिव पार्ट क्या होगा? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव एंड सो ऑन। देन ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर। ये इंटीजर की डेफिनेशन है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है, व्हाट आर इंटीजर, then what is the definition of integer?
all natural numbers, zero and negative of counting number are called integer. Clear? For example, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 are all integer. Ye sab kya hain? Integer hain. क्लियर. जीरो को हम कहां पुट करते हैं? जीरो सेंटर में रहता है. अभी मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगी इसको, ठीक है. जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जीरो के राइट साइड में वन टू थ्री डैश डैश का मतलब है बोलते जाइए काउंटिंग जहां तक आपको आती है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड सो ऑन. क्लियर. और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स एंड सो ऑन. दे ऑल आर इंटीजर्स. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर एंड व्हाट आर नेगेटिव इंटीजर्स? पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो सब पॉजिटिव इंटीजर हैं. मींस जीरो के राइट साइड वाले जितने भी नंबर्स हैं ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. दे ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड व्हाट आर नेगेटिव इंटीजर्स? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स एंड सो ऑन आर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स. ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं. इज इट क्लियर? बट जीरो इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. इस लाइन का क्या मतलब है समझ में आया आपको? जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है. जीरो के आगे आप कोई साइन नहीं लगाएंगे, ना तो प्लस का ना माइनस का. जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है. रिमार्क कर लेना इसको और आपको एज इट इज ये अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन करना है. डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और ये रिमार्क में आप चाहे तो लिख लीजिएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जीरो इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. क्लियर? Yes. Representation of integer on number line. हम number line पे integer को कैसे represent करते हैं? ठीक है, number line क्या होती है? इस तरीके से आपने एक line draw करी, दिख रही है आप लोगों को? PDF में second page में देखिए, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर. इस तरीके से हमने एक line draw करी है, ठीक है. इस line के center में zero है कि नहीं है? लाइन के सेंटर में आपको जीरो पुट करना है और जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. जहां तक भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कर लीजिए. यहाँ पे एरो बना हुआ है लाइन के बिगिनिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे, दोनों तरफ एरो बना हुआ है. इस एरो का क्या मतलब होता है? कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. एक्सटेंड मतलब हम इसको बढ़ा सकते हैं इन बोथ डायरेक्शन. हम दोनों डायरेक्शन में इसको बढ़ा सकते हैं. क्लियर? यस. जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं. हो गया टॉपिक? यस. इफ वी रिप्रेजेंट टू इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ध्यान से समझिएगा. इफ वी रिप्रेजेंट टू इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन, द नंबर अकरिंग टू द राइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लेफ्ट. समझ में आया इस लाइन का मतलब? And the number on the left is smaller than that on the right. इसका मतलब ये है कि अगर आपने
नंबर लाइन पे कोई भी दो इंटीजर को रिप्रेजेंट किया है, देन दो नंबर में एक नंबर राइट में है एक नंबर लेफ्ट में है, तो राइट साइड वाला नंबर जो है वो हमेशा बड़ा होता है. राइट साइड नंबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लेफ्ट साइड. राइट साइड वाला नंबर बिगर है और लेफ्ट साइड वाला नंबर स्मॉलर रहेगा. क्लियर? और नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो के पास वन ही रहेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. ठीक है? और सेम ऐसे लेफ्ट साइड में माइनस वन से स्टार्ट करिएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, इस तरीके से ही रिप्रेजेंट किया जाता है. क्लियर? अब बताइए टू और थ्री, टू और थ्री में राइट साइड वाला नंबर कौन सा है? थ्री. देन विच इज ग्रेटर? थ्री इज ग्रेटर. और इसमें तो हम विदाउट नंबर लाइन के भी आप बता सकते हो, इन टू एंड थ्री विच इज ग्रेटर? थ्री इज ग्रेटर. प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको? नेगेटिव नंबर में. और ये भी अगर आप एक बार ढंग से समझ लेंगे तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. ठीक है? अब यहां देखिए माइनस थ्री एंड माइनस टू, सी द नेगेटिव पार्ट ऑफ नंबर लाइन, माइनस थ्री एंड माइनस टू, विच इज ग्रेटर? विच नंबर लाई ऑन द राइट साइड? माइनस टू. एंड विच नंबर लाइज इन द लेफ्ट साइड? माइनस थ्री. तो कौन सा नंबर आपको बताया था? विच इज बिगर? विच लाइज इन द राइट साइड? तो राइट साइड में क्या है? माइनस टू. देन माइनस थ्री एंड माइनस टू, विच इज ग्रेटर? माइनस टू इज ग्रेटर. इट इज क्लियर? समझ में आ रहा है ये आप लोगों को? एंड माइनस सिक्स एंड माइनस टू, विच इज ग्रेटर? माइनस सिक्स एंड माइनस टू, विच इज ग्रेटर? माइनस टू इज ग्रेटर. आ गया समझ में? हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नंबर लाइन पे जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में जाते जाओगे फ्रॉम नेगेटिव पार्ट, ठीक है, नंबर तो आपको दिख रहे हैं माइनस सिक्स माइनस सेवन, ठीक है, लेकिन इनकी वैल्यू कम होती जा रही है. माइनस सिक्स और माइनस सेवन में कौन सा नंबर बड़ा होगा? माइनस सिक्स. माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन माइनस सेवन. पॉजिटिव नंबर में सीधे आप इसको कंपेयर कर सकते हो, सिक्स और सेवन विच इज ग्रेटर? सेवन इज ग्रेटर. बट नेगेटिव पार्ट में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, माइनस सिक्स एंड माइनस सेवन विच इज ग्रेटर? माइनस सिक्स इज ग्रेटर. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे नंबर की वैल्यू कम होती जाती है इन नेगेटिव पार्ट, ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट में भी देख लीजिए, आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? नंबर तो कम ही हो रहा है ना, वैल्यू तो कम ही हो रही है नंबर्स की. इज इट क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? सीधे एग्जाम्पल, थ्री इज ग्रेटर देन वन सिंस थ्री इज टू द राइट ऑफ वन. See the number line, and one is greater than zero. Since one is to the right of zero, clear? And minus one is greater than minus two, since minus one is to the right of minus two. It is clear? इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया? देन राइट डाउन इन योर कॉपी फास्ट, इन योर क्लासवर्क कॉपी, नोट डाउन टुडेज डेट, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम. राइट डाउन इन योर कॉपी फास्ट.
please take a screenshot of both the pages 1 and 2. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके पेज 1 एंड पेज 2. इंट्रोडक्शन टू इंटीजर राइट इन योर कॉपी. इंट्रोडक्शन टू इंटीजर. All natural numbers, write down in your copy. All natural numbers, comma, zero, and negatives of counting numbers are called integers. All natural numbers, zero, and negatives of counting numbers are called integers. Thus, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 are all integers. They all are integers. Clear? Next is positive integer. What are positive integers? Have you taken the screenshot? Screenshot लीजिए, जल्दी से note down करिए within a 5 minutes. You have only 5 minutes. 5 minutes में आपको ये नोट डाउन करना है. डोंट स्टार्ट द एक्सरसाइज फोर्टे. राइट ओनली थ्योरी पार्ट. क्लियर? एंड ड्रॉ नंबर लाइन विथ पेंसिल एंड स्केल. ड्रॉ नंबर लाइन विथ पेंसिल एंड स्केल. ड्रॉ नीटली. Yes, positive integer written 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. are all positive integers. And what are negative integers? Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, etc. are all negative integers. Have you taken the screenshot? Write down in your copy, Saurabh Chetwani, why you are sitting? Have you taken the screenshot? Then write in your copy. I will check your copy. And why your video is off? If you have any problem, then write in a chat box. अगर आपको कोई भी problem है, कोई query है, तो chat box में लिखिए. Note down fast.
If you have any problem, then write in your chat box. Yashika, have you done your work? Show me your copy. What you are doing? Yashika Singh, show me your copy. मैम यस मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि मेरी कॉपी स्कूल में है सीडब्ल्यू वाली अगर कॉपी आपके स्कूल में है तो आप पिन पेज में नोट कर लो ना बेटा क्यों अपना वर्क इकट्ठा करते जा रहे हो बर्डन किसके ऊपर आएगा फिर हाँ पिन पेज में नोट डाउन कर लो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम क्यों वेस्ट करते हो अपने टाइम को यूटिलाइज इट आपको मैंने भी दिया है टाइम नोट डाउन करने के लिए तो नोट करिए ना उसको यस कनव रिटन लिख लिया आपने एनी क्वेरी हाँ इंटीजर क्लियर हो गए आप सबको गिव मी रिस्पॉन्स Yes, give me response. Yes, Palak. What do you want to say? Are you having any problem? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, I cannot understand integers. मैम एक्चुअली मैंने लेट क्लास अटेंड की थी इसलिए आपको मैंने भी स्क्रीनशॉट दिया है उसको रीड किया आपने यस मैम उसमें क्या समझ में आया आपको बताइए अगर आपने रीड किया है क्या समझ में आया आपको पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड राइट साइड जो होते हैं इंटीजर्स वो लार्जर होते हैं और लेफ्ट साइड वाले स्मॉलर होते हैं अगर हम किसी भी टू इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो राइट साइड वाला इंटीजर कैसा होगा स्मॉलर देन लेफ्ट साइड ऑफ इंटीजर समझ में आया देखो दोबारा से देखो इसको समझो फर्स्ट है आपकी डेफिनेशन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर All natural numbers, zero and negative of counting numbers are called integer. Jitne bhi natural numbers hain. Natural numbers you know very well. What are natural numbers? Yes, What are natural numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Huh? Yes, ma'am. Including zero and negative of counting number. अब नेचुरल नंबर्स आपके पॉजिटिव होते हैं सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर ये सब काउंटिंग नंबर ही तो हैं नेचुरल नंबर क्या है काउंटिंग नंबर ही तो हैं अब इन्हीं का आप इनका अपोजिट ले लीजिए -1, -2, -3, -4, -5 तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं जीरो हैं और नेगेटिव हैं ये नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स हैं ये सब क्या हैं इंटीजर्स सिंपल वे में समझिए पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो सब क्या होंगे इंटीजर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर इट इज क्लियर यस मैम एंड व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर व्हिच लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो जीरो के राइट साइड में जितने नंबर्स हैं वो क्या होंगे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और पॉजिटिव नंबर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो सब पॉजिटिव नंबर हैं और नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं जिनके आगे सबके आगे माइनस का साइन है वन के पहले माइनस का साइन है कि नहीं है है
है, टू के पहले माइनस का साइन है? यस मैम। तो टू इज अ नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर? नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर। राइट डाउन टू नंबर्स इन योर कॉपी, माइनस 16, माइनस 16, राइट डाउन फास्ट, माइनस 16 and 26, minus 16 and 26, which is positive and which is negative? नहीं बता सकते आप इसमें? मैम 26 is positive and 16 is negative. बस इसमें क्या problem है बताइए? Positive और negative को identify नहीं कर सकते? जिस number के पहले कोई sign नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता तो हम उसको पॉजिटिव ही मानते हैं, उसके पहले प्लस का साइन ही होता है, प्लस के साइन को शो नहीं किया जाता। मैम आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि इसमें बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा। अब आपने नंबर लाइन देखी थी, अभी नंबर लाइन पे हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था? यस मैम। Yes. Again, I am going to share my screen. See the number line. Number line पे हमने सिंपल वे में अरेंज ही तो किया है, सेंटर में आपने जीरो रखा है और जीरो के राइट साइड में नंबर आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी सीक्वेंस में तो रखेंगे। अब जीरो के लेफ्ट साइड में देखिए, ठीक है, माइनस 1, -2, -3, -4, -5, -6, क्लियर? अब यहाँ पे सपोज अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर में आपको कंपेयर किया जाता है, जैसे आपसे पूछा गया -6, -6 and +2, विच इज ग्रेटर? तो यहाँ तो सबसे इजी है एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को कंपेयर करना। पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़े होते हैं नेगेटिव नंबर से, तो यहाँ तो आपको बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है, ठीक है? -6 and +2 which is greater, +2 is greater, negative number और positive number। अब यहाँ देखिए number line पे negative number सारे कहाँ पर हैं? Left side में है ना, और सारे positive numbers कहाँ हैं? Right side में हैं। तो अगर आप number line पे यहाँ पे देखो, number line पे -6 और +2, तो +2 राइट साइड में है कि नहीं है? है कि नहीं? तो विच इज ग्रेटर? +2 इज ग्रेटर। और नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के लिए तो आपको नंबर लाइन को देखना ही नहीं है, पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़े होते हैं नेगेटिव नंबर से, क्लियर? अब आपको दो नेगेटिव नंबर को कंपेयर करना है, ठीक है? सपोज आपके पास है -16 and -9, you have two negative numbers, -16 and -9, clear? अब यहाँ पे -16 left में होगा या -9? Number line पे देखिए -7, -8, -9, -10, इस तरीके से ये increase होती जाएगी, extend होती जाएगी, then -16 and -9. Which is greater? -9 is greater. और number line के
थ्रू अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप सिंपल वे में भी समझ सकते हैं. नेगेटिव नंबर, अगर आपके पास दो नेगेटिव नंबर हैं तो जो छोटा वाला नंबर होगा ना वो हमेशा बड़ा होता है. जैसे जैसे नेगेटिव नंबर इंक्रीज होते जाते हैं उनकी वैल्यू कम होती जाती है. इट इज क्लियर? नेगेटिव नंबर जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे इनकी वैल्यू कम होती जाएगी. देन -9 एंड -16, विच इज ग्रेटर? -9 इज ग्रेटर. जो नंबर छोटा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और जो नंबर बड़ा होगा उसकी वैल्यू कम होगी. कहां पर? नेगेटिव नंबर्स में. इट इज क्लियर? यस. अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? हम कैसे कंपेयर करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को? राइट इन चैट बॉक्स फास्ट, जल्दी से करिए, बताइए मुझे. अब समझ में आ गया ना? देखो नंबर लाइन के थ्रू अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं. अगर आपको दो नेगेटिव नंबर दिया, ठीक है ना, एक नंबर है आपका -89 और सेकंड नंबर इज -5. -89 एंड -5, विच इज ग्रेटर? आंसर बताइए मुझे, राइट इन योर चैट बॉक्स, विच इज ग्रेटर? -5. यस, गुड. -5 इज ग्रेटर. नेगेटिव नंबर्स में जैसे जैसे नंबर आप इंक्रीज करते जाओगे उनकी वैल्यू कम होती जाएगी. जैसे जैसे वो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में जाते जाएंगे वैसे वैसे उनकी वैल्यू कम होती जाएगी. क्लियर? एंड -100 एंड 0, विच इज ग्रेटर? -100 एंड 0, विच इज ग्रेटर? यस, 0 इज ग्रेटर. गुड, वेरी गुड. Who write -0? -0 किसने लिखा है? ये मैंने भी आपको क्या बताया था, जीरो के आगे कोई साइन नहीं आता. जीरो इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. आई टोल्ड यू, बताया था कि नहीं बताया था ये? तो वाई यू पुट माइनस साइन बिफोर जीरो? क्लियर? यस. राइट डाउन टू नंबर्स, -579 एंड -315. राइट डाउन टू नंबर्स, -579 एंड -315, विच इज ग्रेटर? -579. राइट डाउन इन योर प्रैक्टिस कॉपी, -579 एंड -315, विच इज ग्रेटर? यस, गिव मी द आंसर, जल्दी से बताइए मुझे. यस, वेरी गुड. एंड व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट दे आर डूइंग? -579, -579 and -315, which is greater? Which is greater? Yes, -315 is greater. अब समझ में आ गया? How will we compare the integers? Is it clear? Any query? Any problem? No problem?
नो क्वेरी, दैट्स गुड. क्लियर हो गए जितने भी आज मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे, डेफिनेशन ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, एंड हाउ विल बी इंटीजर रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन नंबर लाइन. ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर एंड कंपेयरिंग द इंटीजर्स. क्लियर? यस. In our next class, we will start exercise 4A. Clear? We will start exercise 4A. Can I leave? You want to ask something? No? Can I leave? Write down this theory part in your classwork copy in neat and clean handwriting. Is it clear to all? Clear? आपको theory part ये copy में note down करना है and draw number line with pencil and scale. Don't use pen to draw number line. Clear? Can I leave? Okay. Good day, students.